एक देश एक चुनाव मुद्दे पर इंडियन लॉ कमीशन आज अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी। राजनीतिक दलों और संविधान के जानकारों से बातचीत के बाद विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार की। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है और जल्द से जल्द इसे देश में लागू करना चाह रही है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर 22वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद रिपोर्ट को सौंप देगी। सूत्रों के मुताबिक विधि आयोग एक देश एक चुनाव के पक्ष में है, इस मुद्दे को देश के हित में बताया है। साथ ही दावा किया गया है कि देश में इसे लागू करने से सरकार का आर्थिक बोझ कम होगा। 22वीं विधि आयोग के मुताबिक देश में चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। एक देश एक चुनाव से देश में स्थिरता बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में एक राय नहीं है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा, सरकार इस रिपोर्ट को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के पास भी भेजे। 24 सितंबर को देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। बैठक में इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।